साई स्ट्रक्चर्स इंडिया SSI फूड कार्ड्स एक नई दिशा। साथियों ओम साई राम। मैं नरेश मदान अपनी टीम के साथ साई स्ट्रक्चर्स इंडिया यानी SSI फूड कार्ड्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और लेकर चलता हूं पुराने ही सफर की ओर। साथियों अभी ये सबकी जुबान पर चढ़ चुका है फूड कार्ड मतलब SSI, फूड कार्ड मतलब SSI। बारबेक्यू के बारे में चल रहे इस सफर में मैं आपको आज कुछ और नई बारबेक्यू कार्ड्स जो कि ई रिक्शा पर हैंड पुश और ट्राइसिकल पर हैं दिखाने का प्रयास करूंगा, साथ ही उनके बारे में कुछ कुछ बताऊंगा। साथियों आपको जितने भी कार्ड्स मैं दिखाता हूं या दिखाने जा रहा हूं, आपने किसी भी वीडियो में दिखाता हूं, वो सब SSI फूड कार्ड्स की बनी होती हैं। इनके प्राइस बताना मुश्किल होता है क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइस रेगुलर फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, इसलिए जिस भी कार्ड का आपको प्राइस चाहिए कृपया करके मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मैं आपको प्राइस दे दूंगा। SSI फूड कार्ड्स द्वारा बनाई गई कुछ छोटी बड़ी ट्राइसिकल और हैंड पुश कार्ड्स जैसा कि आपको पिछले वीडियोस भी पसंद आए, मुझे उम्मीद है ये भी पसंद आएगा। अगर आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार जरूर देख लीजिए। साथियों पिछले कुछ दिन पारिवारिक व्यवस्था की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, मगर अब मैं कोशिश करूंगा कि लगातार हर वीक कम से कम एक वीडियो जरूर डालूं। जैसा कि आप जानते हैं साई स्ट्रक्चर्स इंडिया यानी SSI फूड कार्ड स्ट्रीट वेंडिंग कार्ड्स बनाती है और मैं और मेरी टीम नई से नई कार्ड और अलग अलग कंसेप्ट बनाकर मार्केट में लाते रहते हैं। हमारा लक्ष्य पुरानी ट्रेडिशनल कार्ड्स यानी पुरानी रेडी को लेटेस्ट हाइजीनिक कार्ड्स में रिप्लेस करने का है, ताकि आज के बेरोजगार युवा को उस पर काम करने में शर्म महसूस ना हो। और उन्हीं कार्ड्स का वीडियो बनाकर मैं यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ जिसे आप देख पाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि किसी जरूरतमंद तक पहुंच सके। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। ये देखिए कबाबे क्यू, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो जाता है कबाबे क्यू दिल्ली 6 के टेस्ट पर इंस्पायर्ड है। उसी तरह से इन्होंने अपनी कार्ट पर पूरा टेबल टॉप खाली रखा, एक तरफ ग्रिलर और एक तरफ स्लाइडिंग बर्नर जिस पर तवा रख सके, यानी तवा आइटम और तंदूरी आइटम। इन्होंने पुरानी दिल्ली 6 का जो टेस्ट है उसको लेकर वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली में अपनी अलग अलग कार्ड्स लगाई है। इनका चैलेंज है कि इनका खाना एक बार टेस्ट करने के बाद आप दिल्ली 6 का स्वाद भी भूल जाएंगे। इनका तवे पर काम करने का स्टाइल बहुत ही लाजवाब है, तवा चिकन देखते ही मुँह में पानी आ जाता है। कबाबे क्यू के लिए बनाई गई ट्राइसिकल पर ये कार्ड सेम कंसेप्ट जैसा कि ई रिक्शा पर आपने देखा, सेम मेन्यू सेम सब कुछ, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि वो ई रिक्शा है ये ट्राइसिकल है। वुडन फिनिश में बनी हुई ये कार्ड LED लाइट्स के साथ। हमारे साथी लाले लाल गुलाले लाल जी ने, जिनको हमने जगा जासूस यानी JJ नाम दिया है, उन्होंने इनके टेस्ट का सीक्रेट निकाल दिया। को मसाला लगाकर कोयले पर भून कर लाया जाता है। जब कोयले की तपिश मटन पे काम शुरू करती है तो मटन के अंदर का पानी कोयले पे टपकता है जिससे बारबेक्यू का धुआं उठता है। गुड जॉब JJ। इसी तरह के कंसेप्ट पे बनी हुई है ये लखनवी कबाब। लखनऊ का मशहूर टुंडा कबाब अब दिल्ली में भी मिलेगा। मस्का। मेरा और मेरी टीम द्वारा किया गया प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है दोस्त। इस तरह की कार्ड्स अगर आप भी बनवाना चाहते हैं, अगर आप भी स्ट्रीट वेंडिंग बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी कीजिए, दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए या फिर ऑफिस आवर्स और वर्किंग डेज में कॉल कीजिए। हम हर तरह की ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा, हैंड पुश, फूड कियोस्क बनाते हैं। आप अपना रिक्वायरमेंट भेजिए, जो भी कार्ड या कियोस्क आपको पसंद आए उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं आपको प्राइस बता दूंगा, इसी नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। वन बाइट बारबेक्यू में बड़ा अच्छा नाम बनाया है इन्होंने साउथ दिल्ली में। आपको बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ये कार्ड मैंने एक बहुत ही मशहूर ब्लॉगर यूट्यूब के, जो कि फूड के लिए
खूब ब्लॉगिंग करते हैं अच्छी, और आज बहुत अच्छा नाम है उनके लिए बनाई थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता। अगर आप समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जाकर नाम जरूर लिखिए। तड़का सिंह और पटियाला शाही, पंजाबी स्टाइल में बनी हुई दोनों ये बारबेक्यू कार्ट ई रिक्शा पर, एक के ऊपर काले रंग की ब्रांडिंग और दूसरे पर लाल रंग की ब्रांडिंग, मगर दोनों का काम करने का तरीका लगभग एक जैसा। पटियाला शाही प्योरली नॉनवेज के लिए बनाया गया ये बारबेक्यू ई रिक्शा के ऊपर तैयार किया गया है। लेमिनेटेड इको विनाइल प्रिंट्स रेड कलर के, एक स्लाइडिंग ग्रिलर, उसके साथ 1/2 का एक जीएन पैन जिसमें कि आप ग्रेवीज रख सकते हैं, एक बर्नर फ्राई पैन पे काम करने के लिए, चार जीएन पैन 1/6 के सलाद के लिए, इसके साथ ही इसमें एक बर्नर और है जिस पर की तवा और तवा आइटम्स तैयार की जा सकती है। तवा, तंदूरी और फ्राइड तीनों तरह का नॉनवेज इस कार्ट पर तैयार है बेचने के लिए, साथ में एक बर्नर बारबेक्यू। 5.5x3 की कार्ट में इन्होंने इतना बड़ा मेन्यू सेट करके दिखा दिया कि मैं देखकर हैरान हो गया। पंजाबी स्टाइल का ये चलता फिरता रेस्टोरेंट इन्होंने बहुत अच्छा मेन्यू सेट किया, इसीलिए किसी ने कहा है कि पंजाबिया दी टोर वखरी। सारे जग च पंजाबिया दा टोर वखरा। फूड कार्ट मतलब SSI। देखा, इनमें जो भी कार्ट आपको पसंद आए या जिसका भी आपको प्राइस पूछना हो उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको प्राइस बता दूंगा। कॉल करने के लिए कृपया ऑफिस आवर्स और ऑफिस डेज का ही इस्तेमाल कीजिए, व्हाट्सएप आप कभी भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा। तड़का सिंह भी अपने नाम की तरह बहुत ही मशहूर ब्रांड बन चुका है अपने एरिया में। तो ये देखो भाई, ये है वो फेमस मटन करी भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन्होंने भी अपने ई रिक्शा में बहुत अच्छा मेन्यू सेट किया, चिकन सूप से लेकर मेन मेन्यू तक। ये डलेगा ऊपर थोड़ा सा रोगन, सब वैरायटी इनके पास अवेलेबल है इस छोटी सी ई रिक्शा में। इन्होंने मटन चाप, मटन सीख, चिकन टिक्का, मटन टिक्का, उसके अलावा बटर चिकन, ग्रेवी चिकन, कोरमा, वो कोई भी शायद ऐसी चीज इन्होंने छोड़ी नहीं है। और इसके अलावा तवा, तवा में भी कोई आइटम इन्होंने छोड़ी नहीं। मटन से चिकन से लेकर फिश तक सब कुछ बनाते हैं, इसीलिए हमने इनको ये नाम दिया ई रिक्शा पर चलता फिरता रेस्टोरेंट। साथियों, हमारी टीम द्वारा किया गया ये प्रयास आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया करके शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये वीडियो उस शख्स तक पहुंच सके जिसे इसकी जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, मैं आपकी राय का इंतजार करूंगा, इसके बारे में भी जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।